नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उन हितजा शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि उन हितजा शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग छात्रों के लिए निर्देश। यूपी में एक भर्ती एजेंसी योगी जी, ऐसे होगा परीक्षा कार्यक्रम नई भर्ती प्रदेश में। और उन हितजा शिक्षक भर्ती SSC रेलवे डिबेट और NTPC और ग्रुप डी पर रेलवे मंत्री का बहुत बड़ा बयान और 9000 शिक्षक भर्ती शिक्षक बनने की राह हुई कठिन, धरना प्रदर्शन। दोस्तों, इन सभी न्यूज की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आप सभी के सामने अवश्य ही लेकर आते हैं। दोस्तों, आप सबको बता चलें कि यूपी में एक भर्ती एक एजेंसी योगी जी। दोस्तों, ये क्या न्यूज है वो आप सभी को दिखाने जा रहे हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि निर्देश, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र की तरह राज्य में भी एक संस्था संचालित करेगी सभी भर्ती परीक्षाएँ। यूपी में होगी एक भर्ती एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की भांति राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एजेंसी गठन करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को यह अनलॉक स्थिति को समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश सरकार के विभाग और उपकरणों में भर्ती परीक्षाएं नियमित व समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरह टेस्टिंग एजेंसी NTA और राष्ट्रीय शिक्षक स्तर पर JEE मेन समेत प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराती है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोरोना के नियंत्रण और उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। और इसी के साथ में भी उन्होंने कानपुर गोरख नगर में कानपुर टेस्ट की संख्या बढ़ने पर निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री ने अगस्त 2019 के मुकाबले अगस्त 2020 में प्रदेश के राजस्व में लगभग 600 करोड़ रुपये की वृद्धि भी की है और निवेश मुद्रा। और आप सबको बता चलें कि यूपी में वर्तमान भर्ती एजेंसियाँ कौन कौन सी हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग GAG यानी JEE क्लर्क से लेकर चपरासी तक का चयन करता है, और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड में प्रवक्ता की भर्ती। फिर उसके बाद आती है बेसिक शिक्षा विभाग अलग से भर्ती परीक्षा आयोजित कराता है, इसका परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज में बैठता है। और वहीं उच्चतर शिक्षा चयन आयोग सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती कराता है। और लगभग 6 अरब की राजस्व में वृद्धि में संतोष जताया और 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश में कार्ययोजना बनी। और उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा से लेकर सब इंस्पेक्टर तक भर्ती कराता है। और वहीं प्रावधिक शिक्षा निदेशक कानपुर पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती करता है। और वहीं व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश में ITI के शिक्षकों की भर्ती कराता है। और दोस्तों, वहीं बात करें थाली थाली बैठकर बेरोजगार युवा सरकार तक पहुंचाएगा अपनी आवाज़। आप सब जानते हैं कि इस समय जो बेरोजगार युवा है वो सरकार की जो पहल है उसको समझ चुका है, और अब वह कोई देरी न करते हुए सरकार तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता है। तो उसी के संदर्भ में एक न्यूज है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में लेट लठीपे से परेशान बेरोजगार युवा ने अब थाली और ताली बजाकर अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शाम 5 बजे बेरोजगार युवा 5 मिनट तक थाली ताली बजाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। और कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रतियोगी छात्र एकता के बैनर तले छात्र सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर आदि के माध्यम से प्रचार करेंगे। और वहीं शिवकुंड के छात्र कृष्ण ने बताया कि यह कार्यक्रम पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के आह्वान से पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। ताली और थाली पीट कर युवा प्रधानमंत्री तक अपने मन की बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और वहीं सरकारी नौकरियों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी कैबिनेट की मंजूरी, SSC रेलवे और बैंक की भर्ती के लिए अब साझा पात्रता परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अब 12 भाषाओं में भी होगा वहीं टेस्ट का आयोजन। देखिए, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में क्या कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। समय के साथ संसाधनों की भी
बचत होगी और इसमें पारदर्शिता को और भी अधिक महत्व मिलेगा। दोस्तों ये थी न्यूज़ जो हम आपके सामने लेकर आए। जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आप सभी के सामने अवश्य ही लेकर आते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र सिंह।